A very warm good evening to everyone. और ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है. मेरा पिताजी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसी प्यार के बीच में मैं कभी भी कुछ मांगा तो मेरे पिताजी ना नहीं बोलते थे. और मैं बहुत जिद्दी था क्योंकि सबसे छोटा था. छोटे छोटे जिद मेरे पिताजी पूरा करते थे. और ये कहानी कुछ इसी जिद और प्यार के बीच में एक मुठभेड़ के ऊपर में है. और ये मुठभेड़ था, मेरा पिताजी तो फेवरेट था उनका प्यारा रेडियो. और सुबह शाम पिताजी उस रेडियो में हर तरह का कार्यक्रम सुनते थे या प्रोग्राम सुनते थे. आजकल रेडियो का जमाना नहीं रहा, रेड एफएम चलता है तो उसमें कुछ मिर्ची और मसाला होता था. पहले के दिन में मिर्ची मसाला कम होता था और अदरक और लहसुन ज्यादा होता था. तो पहले की कहानी, पहले जो रेडियो चलते थे तो सुबह सुबह एक सुंदर गाना से आरंभ होता था और शाम को एक कहानी से या एक गीत से खत्म होता था. और उस समय खूब रेडियो में काफी, जो अभी भी चलता है रेडियो, में अगर आप सुने हो तो गांव में जब जाओगे आसाम के तो वहां सुनने मिलेगा. आई थिंक इट्स विविध भारती, विविध भारती में गाना अभी भी आता है. लोग अभी भी पुराने गाने ये शाम मस्तानी और काफी गाने हैं जो किशोर कुमार के मुझे याद नहीं आ रहे, वो गानों को सुनते थे. तो मेरे पिताजी भी ऐसे रेडियो को खूब प्यार करते थे. लेकिन एक होता है ना, आप जो थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला, जो जेनरेशन गैप, वो जेनरेशन गैप में मेरे पिताजी सुबह रेडियो लगाते थे, शाम को लगाते थे, काफी सारा न्यूज सुनते थे. उनको टीवी पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका रेडियो उनका फेवरेट था. और वो रेडियो मेरे लिए था चिड़चिड़ापन, मुझे पसंद नहीं आता था रेडियो. जब भी बजता था मुझे ऐसा लगता था पिताजी कौन सा पुराना जमाना का ओल्ड मॉडल फिलिप्स कंपनी का है और अभी बजाकर मुझे इतना मुश्किल में, इतना ट्रबल कर रहे हैं, इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे. मैं काफी गुस्सा में रहता था. मैं बोलना चाहता था पिताजी को कि पिताजी आप ये रेडियो बंद कर दीजिए, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि मेरा पिताजी शेर के समान थे. जब भी वो डहाड़ते थे तो मैं बिस्तर के नीचे छुप जाता था या कहीं गांव घर के अंदर माँ के पीछे जाके छुप जाता था. लेकिन फिर भी पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, ये मुझे पता था. और एक दिन इसी चिड़चिड़ापन की वजह से मैंने क्या किया, पिताजी के उस रेडियो को छुपा दिया. मेरे लिए आसान था और मेरे लिए उस समय वो सेलिब्रेशन था कि मैंने अपने पिताजी का रेडियो छुपा दिया. और मैं अपने आप में काफी खुश था. पिताजी नौकरी से लौट के आते हैं और उस समय वाहन का ज्यादा साधन नहीं था, मेरे पिताजी के पास साइकिल था. साइकिल जैसे ही ला के रखते हैं तो साइकिल लाने के बाद पहले जमाने में जो रिलेट कर सकते हैं वो बता सकते हैं, पहले में कैसा था. पिताजी आने से क्या करते थे, हमेशा घर पहुंचने से पहले अगर साइकिल है तो साइकिल का घंटी बजा देते, ड्रिंक ड्रिंक, और पता चल जाता था कि पिताजी आ गया, साथ में मिठाई भी आ गया. उसी आस में मैं उस दिन रुका था. पिताजी आए, मेरे को मिठाई का पैकेट दिया, थोड़ा देर बैठे, पांव हाथ धोया, उसके बाद उनका सबसे पहला खोज मेरे माँ से बोलते हैं, सुनती हो मेरा रेडियो कहाँ है. माँ ने कहा वहीं पड़ा होगा जहां तुमने रखा था. हमारा माओ का एक अलग मतलब एक बिहेवियर होता है कि कुछ भी पूछ लो तो बोलते वहीं पे है. अब ये पूरे घर में हमें ढूंढने में मुश्किल होता है वहीं पे और कहां. और इसी तरह माँ ने बताया कि वहीं पे है तो पिताजी भी वहीं पे ढूंढ रहे थे रेडियो. और ढूंढते ढूंढते घंटों गुजर गए पर उनको रेडियो मिला नहीं. पिताजी को तो रेडियो नहीं मिला. शाम के चाय के वक्त था, हम सब चाय मिठाई खा रहे थे, पिताजी आए, फिर से उनके मन में एक ही सवाल था और वो माँ से पूछते थे कि सुनो ना, मैंने वहां ढूंढा पर नहीं मिला, आप बताओ ना रेडियो कहाँ है. माँ फिर बोली, शायद कहीं अलमारी में घुसा होगा या कहीं बाहर बरामदा में रखा होगा या कहीं देखो आप बेलकोनी में रखा होगा. हमारे टाइम में बेलकोनी होता नहीं था, हम लोग आसानी से बोलते सुता है तो वो ज्यादातर बाहर कहीं रखा होगा. पिताजी काफी ढूंढे, रात तक ढूंढे, रात 12 बजे तक, लेकिन उनको मिलना तो उस दिन था ही नहीं. क्योंकि मैं यहाँ जब भ्रमण करके सोया पड़ा था यही सोच के कि आज तो पुराना गाना बजेगा. दूसरे दिन सुबह मैं उठा, देखा पिताजी बाहर धूप कड़ी धूप के वहां बैठे हुए हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं. वो
मुझे ऐसा लगा कि पिताजी वो जो मधुर धुन है ना वो हमेशा सुर में नहीं मिलता है, कभी कभी उस सुर के बीच में कुछ अन्य ही धुन होते हैं जिसको पिताजी ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। काफी देर पर पिताजी ने कुछ नहीं बोला। मैं खुश था कि आज तो रेडियो नहीं बजा, आज बीवी भर के नहीं बजा, कोई गाना नहीं बजा। थोड़े देर के बाद मैं पिताजी के पास गया, पिताजी ने बोला ठीक है बेटा तुम स्कूल निकल जाओ, मैं भी नौकरी के लिए निकल जाता हूँ, और पिताजी चले गए। ऐसा एक हफ्ता गुजर गया पर पिताजी ने कभी भी उस चीज के बारे में शिकायत नहीं की कि मेरा रेडियो खो गया। पिताजी खुश थे, ऐसा लग रहा था कि पिताजी को कभी रेडियो से प्यार ही नहीं था, और मैं इसलिए खुश था कि मैंने उनका रेडियो छुपा दिया, मेरा मुसीबत तो टल गई। एक हफ्ते के बाद मुझे ये एहसास होता है कि पिताजी रेडियो क्यों नहीं ढूंढ रहे। पता नहीं हम लोगों सब में एक सवाल के ऊपर और सवाल करना कि हमको अगर कुछ मिला है तो क्यों मिला है, और मिलने के बाद हम ये पूछते हैं कि ये मुझे क्यों मिला, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको आखिर में पता चलेगा। तो उसके बाद एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, बहुत दिन पहले हमारे इतने लोग रिलेट करेंगे, थोड़ा हाथ उठाएंगे कि हम लोगों के टाइम में कैरम बोर्ड बहुत फेमस था। तीन आली चार आली में हम देखेंगे तो कैरम बोर्ड ही खेलते थे, सट्टा लगाते थे, पैसा लगाते थे, वो तो अलग बड़े लोग करते थे, हम छोटे थे, हमको दोस्तों के साथ कैरम बोर्ड बहुत पसंद था। और पिताजी ने उस दिन, मेरा कोई जन्मदिन भी नहीं था, कोई त्यौहार नहीं था, पिताजी ने मेरे लिए कैरम बोर्ड ला दिया। मैं बहुत खुश था, हर किसी बच्चे की तरह मेरे घर में भी इतना आनंद था कि पिताजी मेरे लिए कैरम बोर्ड ला दिए। मेरा सपना था, उस समय हम मिले थे लोग ना, जो सपने होते थे ना वो छोटे छोटे होते थे, कैरम बोर्ड ला दो, एक साइकिल खरीद दो, एक अच्छे स्कूल में नाम लगा दो। आपका अभी का जो है जो सपने होते हैं वो अलग तो उनके होते हैं, किसी को पेरिस जाना है, किसी को न्यूयॉर्क जाना है, पर हमारे लिए उस टाइम मैं जहां रहता हूँ, मैं डिब्रूगढ़ छोटा शहर का हूँ, तो मेरा सपना यही था कि मुझे गुवाहाटी कोई ले जाए, कोई शिलोंग ले जाए। तो इसी तरह मेरा एक सपना था कि कैरम बोर्ड ला दे, और पिताजी ने कैरम बोर्ड ला दिया। और मैं सारे दोस्तों को बुलाया, सबको बुलाया, सबको चिल्ला चिल्ला के बुलाया, आओ आओ सब कैरम खेलते हैं, और सब बैठकर हम लोग कैरम खेलने लगे। दिन रात कुछ पता नहीं चला, सुबह हम कैरम खेलते थे, शाम को कैरम खेलते थे, दिन को स्कूल जाते थे, और कैरम बोर्ड में ऐसा दिल लगे कि मजा आ गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरे चाचे का जो लड़का है, मेरा भाई चचेरा भाई, वो भैया मेरे से बड़ा है, भैया मेरे घर आया उस दिन, और उसने मुझे पूछा कि भाई तुम्हारा कैरम बोर्ड तो हम दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं चाहते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं तो दिन में नहीं रहूंगा, आप लेके जाओ, और वो कैरम बोर्ड लेके चले गए। और उस दिन जब मैं स्कूल से लौटा, माँ से मैंने पूछा कैरम कहाँ है, माने बताया तुम्हारे भैया के पास। मैंने काफी ढूंढा आसपास, भैया नहीं दिखे। मैं चाचा को पूछा, चाची को पूछा, उन्होंने बोला मैं पता नहीं तेरा भैया कैरम बोर्ड लेके कहाँ चले गए। पूरा रात वो नहीं आया, पूरा रात मैं बिस्तर में रोया। पिताजी मेरे पास आकर बैठे, बोले क्या हुआ बेटा। मैंने बोला पिताजी मैंने अपना रेडियो का, मैंने अपना कैरम बोर्ड खो दिया, मेरा भैया मेरा कैरम बोर्ड नहीं लौटा है। पिताजी ने बोला चिंता मत कर, प्रातः काल ही को लेके आएगा और आपको जमा दे देगा। ये आस लेकर मैं सो गया, रोते रोते सो गया। सुबह जब उठा तो भैया मेरा कैरम बोर्ड लेके आए, उससे मुझे बहुत गालियों से भरना मन था मेरा भैया का। लेकिन मेरे माता पिता पिताजी ने कुछ आदर्श सिखाया है कि अपने बड़ों से, अपने से बड़ों का सम्मान करो, कभी भी उनको बुरे बात मत बोलो, इसलिए मैंने नहीं बोला। थोड़े देर बाद मुझे वो कैरम बोर्ड देख के इतना खुशी मिला कि वो खुशी मैं किसी को बता नहीं सकता। उसी बात पिताजी आए, बोले थे देखा मैंने बोला था तेरा कैरम बोर्ड आ जाएगा। तो पिताजी खुश थे लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हम जो छोटे छोटे चीजों से प्यार करते हैं, हमारे पिताजी सोचिए हम लोगों से कितना प्यार करते हैं। आप लोग जैसे कई लोग को यह पता होगा कि पिताजी कभी बेटा या बेटी को नहीं बोलता आई लव यू, लेकिन वो डर के दिखाते हैं और बताते हैं कि आई लव यू। और उस दिन पिताजी का यह प्यार मुझे समझ में आया, उनका वो लगाव लगाव जो था रेडियो के प्रति, उसको मुझे समझ में आया। छोटे छोटे चीजें हैं लेकिन सिखाने के लिए काफी बड़े बात है। तुरंत ही मैंने जो छुपाया और रेडियो लेके पिताजी को दिया, पिताजी ने तुरंत सोचे, पिताजी बच्चे की तरह रेडियो पे लेके गया, दुकान में नया बैटरी लगवा के आया, विविध भारती का गाना सुनने लगा। और मैंने उस दिन एहसास किया कि हमारे लिए शायद वो छोटे छोटे चीज मायने ना रखते हो, हमारे लिए शायद वो इतना वैल्यू नहीं है। आज के दिन में तो हम वैल्यू देते नहीं है, पिताजी को जो चाहिए वो मान लेते, उसके बाद वैल्यू भूल जाते हैं। आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनीवन, बट आई हैव सीन इट। और इसी वजह से आज हमारे बीच में ओल्ड एज होम से पहले नहीं होता था। लेकिन उस दिन मैंने एक ही चीज सीखा,
कि पिताजी ना होते तो वो रेडियो ना होता, वो रेडियो ना होता तो मैं नहीं होता. थैंक यू फॉर द टाइम.